आज है दिवाली, छोटी दिवाली, और मेरे को मिला एक चैलेंज। तो हम भाई सब्सक्राइब करवा रहे हैं यहाँ पे सबसे। अभी आए हम फूड एंड फायर प्लेनिंग बर्गर, तो अभी ऐसे हम चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे। साइड में स्टॉल वगैरह, दुकान वगैरह लगाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यार ये कि ग्राहक कब आएगा, कब हम भाई। और मैंने ये मोबाइल है जो छुपा दिया है मूर्तियों के पीछे, ताकि मैं देख सकूँ लोगों का रिएक्शन। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. मैं आया हूँ, देखो अभी शॉप पे घर वाले ये सामान यहाँ पे बेच रहे हैं। ये भाई पता नहीं कैसे यहाँ पे काम वाम कर रहे हैं, तब से सुबह से कई दिन से। भाई आपको एक चैलेंज है। चैलेंज है? क्या चैलेंज है बता? आपको सब सामान देख के दिखाना है, क्योंकि आप तो मेरी दुकान पे तो बैठे भी हो, आपको तो नॉलेज है नहीं, तो यहाँ पे मैं मतलब यहाँ दुकान पे रुको और चैलेंज पूरा। नहीं, पापा के पास जाना है। अच्छा, तो पापा तो है नहीं वहाँ दुकान पे? अच्छा, तो ये भाई चैलेंज दे रहे हैं कि भाई उस वाली दुकान पे जाओ और वहाँ जाके मैं चैलेंज कंप्लीट करूँ कि मैं दुकान पे रहता नहीं हूँ ना, तो खुद से सेल करके रहूँ, खुद से सेल करके दिखाऊँ। तो वो अभी जाना चाहिए, करना चाहिए कंप्लीट। शाम को आपको पर्याप्त सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज देने वाले हैं मुझे ये, कुछ क्या सरप्राइज मिलेगा बता जल्दी। शाम को ये तो नहीं, कुछ और चाहिए? कुछ अच्छा सा मिलेगा। अच्छा देख लो, चैलेंज को पता चलेगा आपको क्या मिलेगा। अच्छा, मैं जाके वहाँ मतलब बिक्री करके दिखाऊं कैसे मैं देखता हूँ। पक्का? हाँ, सब सामान बिकना चाहिए आज ही। भाई सबका सब थोड़ी बिकेगा, मेरे को तो पता नहीं है कैसे बात करूँ ग्राहक से, कितने का सामान बताना है, कितने का नहीं बताना है। वो तो वही तो चीज है सबसे। तो भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको चैलेंज, मैं कैसे कैसे भेजता हूँ। इनको लग रहा है कि मैं आता नहीं है मेरे पे भेजना कुछ भी, और जो कि आता ही नहीं है तो मैं भेज के दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो ये आइटम वगैरह बना रहे हैं, ये देखो गुल्लक तैयार कर रहे हैं। तो भाई देखता हूँ मैं इनका चैलेंज है जो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, वहाँ पे भाई जो दुकान है जो वहाँ पे करके उसे चालू, और मैं दिखाता हूँ इनको कुछ खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ। भाई तगड़ा वो चाहिए मुझे, कुछ तगड़ा गिफ्ट चाहिए पक्का ना? मनी बैग। चलो कुछ तो भाई मिलेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि आज छोटी दिवाली और मैं रहता नहीं, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है भाई कितने का है। मैं तो ये 10 रुपए का, 30 का, ये देखो मैं सस्ते में दे देता भाई। तो ऐसे भाई मुझे वहाँ पे जाके अब देखना है और चैलेंज भाई इनका जो पूरा करके दिखा। आज है दिवाली, छोटी दिवाली, और मेरे को मिला एक चैलेंज घर वालों ने दिया है, जो कि आज मेरी ऑफ भी है, तो मेरे को दिया चैलेंज कि भाई तू आज अपनी दुकानदारी खुद से करके दिखा, क्योंकि मेरे को आती नहीं है बिल्कुल भी करनी बार्गेनिंग, मेरे को करनी नहीं आती, जो बता दिया बता दिया, रेट जो बता दिया आप वो कैसे मेरे से बार्गेन करते, कैसे क्या करते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो घर वालों ने दिया भाई चैलेंज के, तू ये करके दिखा चैलेंज, तो मैंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं जो है सेल है ये करके दिखाऊंगा, मैं बेच के दिखाऊंगा कि कैसे बिकते हैं आइटम। और कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ ये हैं, तो उन्होंने कहा है खुला चैलेंज दिया कि भाई तू करके दिखा, तू बेच के दिखा हमें, अगर तूने कर दिया तो तेरे को कुछ सरप्राइज या कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो मैं भाई आया हूँ चैलेंज पूरा करने के लिए, तो आपको भी देखना है कि मैं कैसे कैसे करके चैलेंज को पूरा करता हूँ। मेरा फर्स्ट, अभी तो कोई ग्राहक आया नहीं है, यानी कोई खरीदने के लिए आया नहीं है शॉप पे, तो मैंने सारा कर दिया है पूरा। देखो यहाँ पे दीपक वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वही चैलेंज को मैं देखने के लिए मैं देख रहा हूँ भाई कब से यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे, देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है मेरे से, तो वही मैं देखने के लिए अभी यहाँ पे वेट करता हूँ और देखता हूँ मेरा फर्स्ट भाई ग्राहक कितनी देर में आता है और कितनी सेल करता हूँ मैं आज। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और ये स्टॉल जो लगाई है मेरे घर वालों ने लगाई है, क्योंकि दिवाली भाई अब की हमारी पूरी जो साल है वो इतनी बेकार गई है, हमारा कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है, जस्ट इधर से उधर हम सामान शिफ्ट करते रहे। आप जानते हो कि मैं प्रजापति हूँ, मेरे घर में मिट्टी बर्तन का काम होता है, मिट्टी के जो बर्तन हैं पॉट वगैरह वो बनाए जाते हैं। तो अब के हमने ये इस तरह के कोई भाई कुछ वो लेके आए हैं घर वाले, ताकि हमारी जो दिवाली है वो अच्छे से मन सके। मेरे को बिल्कुल नहीं आता कि भाई मैं आज तक, बहुत शर्म आती है मेरे को बाहर आगे से सेल वगैरह करने में कुछ भी। तो यही चैलेंज है, यही मैंने चैलेंज लिया है कि ऐसे मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो घर वाले को भाई दिवाली इस तरफ पूरी साल ही बेकार गई है हमारी, तो हमारी ये दिवाली अच्छे से निकल जाए यही उम्मीद है। थोड़ा घर में अर्निंग या पैसे आ जाए, हमारी दिवाली जो अच्छे से हो जाए, अच्छे से मन जाए। तो भाई तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और मैंने ये मोबाइल है जो छुपा दिया है मूर्तियों के पीछे, ताकि मैं देख सकूँ लोगों का रिएक्शन है, जो कैप्चर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। अभी तक भाई 1 घंटा हो गया, कोई नहीं आया, तो मैं कुछ आइटम है और निकाल के ऐड कर देता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे।
ताकि अगर कोई देख के आए तो भाई वो ले ले। तो एक भैया देख के जा रहे हैं, नहीं आए कोई नहीं। तो ये देखो भाई कितनी ज़्यादा सुंदर है ये मूर्तियाँ, और लक्ष्मी गणेश है इसमें वो भी बहुत सुंदर है। इस तरह के ना चैलेंज अपनी शरण पर लेके आता रहूँगा, बहुत सारे चैलेंज है। आप कमेंट करो कि भाई नेक्स्ट चैलेंज मैं कैसे लेके आऊँ, किस पे लेके आऊँ, कमेंट करो भर भर के। तो मैं कमेंट्स में देख के जो मेरे को अच्छा लगेगा चैलेंज, जो ज़्यादा हार्ड होगा उसको मैं चैलेंज को कम्प्लीट करूँगा। ये हमारे साईं बाबा, इनको हम कहीं पर रख देते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please don't ले जाओ। तो भाई 12:30 समथिंग टाइम हो गया है। अभी एक अंकल देख के गए लेकिन नहीं लिया उन्होंने, मतलब रोड से देख देख के जा रहे हैं, पर अभी तक भाई 12:30 हो गया, कोई आया नहीं है अभी तक। एक भी सेल नहीं है, मेरी बॉनी नहीं हुई है अभी यहाँ पे बिल्कुल भी। तो भाई कमेंट करके बताओ कैसे क्या तरीका हो सकता है जिससे मेरी सेल और ज़्यादा बढ़े, या मैं एक दो ग्राहक को बेच पाऊँ सामान। तो भाई लग नहीं रहा शाम से पहले यहाँ कोई आएगा मेरे पास में, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि भाई कोई आ जाए। तो शाम से पहले लग नहीं रहा कोई आएगा मेरे सामान लेने के लिए, मैं देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ थोड़ी भसड़ हो गई, ये अंकल है इन्होंने काम नहीं कर दिए सेम दुकान, तो ये शाम यहाँ पे दुकान लगाई है, तो ये कहने आए हैं। अरे भाई किसने के बोली आपको, हमारे सीने पे खड़े होकर किराया दे रहे हैं 500 से 600 भैया 50 रुपये भैया। डबल कैसे होएगी? डबल ये ऐसे लगेंगे, डबल लेनी है फिर दो लेनी पड़ेगी। ए ना यार एक मुड़ी हुई ना आ जाओ ऐसे लगा ले यार तू अपने वाले का भाई। अरे अपने भाई है, कैसे लगानी है आपको? अच्छा जुड़ी वाली, तो ये गांठ बांधनी पड़ेगी ना, जैसे ये धागा निकल रहा ना ये सेम यहीं से गांठ बांधनी पड़ेगी ये ना, जैसे यहाँ पे तो मार के देते। हाँ तो लो गांठ लगा देंगे। कौन सी है वाली? सही बात है, मजा मतलब यार Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause anxiety's a myth. तो भाई फाइनली हो चुकी है अपनी सेल, जो कि मेरी फर्स्ट सेल हो चुकी है भाई साहब। ये देखो मैंने 40 रुपए कमा के दिखा दिए घर वालों, अब मेरे को भाई कुछ चाहिए मेरे को नहीं पता। तो थोड़ी बार्गेनिंग हुई मेरे से, जो कि वो भाई कह रहा मेरे से कि भाई पूरी परिणाम पड़ेगा सामने आगे जाके, सामने जो पहली बिल्डिंग हुई राजेश नगर की वही है उससे पहले। तो भाई मेरे से भाई बोला कि मैंने थोड़े भाई सस्ते में दिया है, जो घर वालों ने मेरे को बताया था भाई इसका 50 रुपये रेट बताया, लेकिन मैंने ये 40 में सेल करी है क्योंकि भाई मेरी अभी तक बोनी नहीं हुई, तो बोनी के लिए भाई मैंने ये करके भाई घर वालों को थोड़ा लॉस हो गया, कोई नहीं। पर मेरी जो फर्स्ट जो बोनी है मेरे को भाई हो गया, तो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है मेरा। अगर भाई आप बेशर्मी पे नहीं उतरे तो भाई आप कैसे व्लॉगर, कहीं भी जाके करो व्लॉगिंग करो अपने कैसे भी करो। तो भाई जो ये मैंने लाइन चूज की है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो अभी भाई इसमें से मतलब मूर्तियों में से एक भी नहीं बिकी है मेरी मूर्तियाँ हैं जो, और तब जाके मतलब सुबह से जाके अब जाके मेरे पास ग्राहक आया। तो ये भाई बड़ा चैलेंज है यार, जो रोड साइड में स्टॉल वगैरह दुकान वगैरह लगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यार ये, कि ग्राहक कब आएगा, कब हम बेचेंगे, जो फूड भी होता है या कुछ चीज़ें होती हैं जैसे भी मार्केट में। ये भाई कब से बैठे हैं
कि मेरे पास कौन सा आए, कब आए कब आए। अब जो मेन है भाई शाम को ही यहाँ पे हो पाएगी, शाम को ही लोग आ पाएंगे। ये भाई भी आए अपनी उम्मीद लगा के कि भाई हमारी 2-400-500 हज़ार रुपये तक की बिक्री हो जाए। तो ये बड़ा थोड़ा चैलेंज रहता है कि भाई कि कब लोग आएंगे मेरे पास में खरीदने के लिए ना। बड़ा स्ट्रगल है यार इधर, मतलब जो रोड साइड में जो काम करते हैं भाई। वेट कर रहा हूँ, एक भैया है जो शायद आ सकते हैं अभी दुकान पे, देख रहा हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाओ भैया। पैकिंग में आते ना आगरा से लेके आते। तो भाई इतना करने के बाद भी वो भैया नहीं लेके गए, तो ये भाई चैलेंज बड़ा ही हुआ है। यानी आपको भाई बड़ा मैंने बहुत सारी दिखाई उनको, नए नए आइटम निकाल के भी दिखा दिए, लेकिन उनको भाई फिर भी पसंद नहीं आए। तो भाई अब क्या करें, यहाँ पे कैसे सेटिस्फाइड करें भाई कस्टमर को। तो चलो देखते हैं अभी कोई और आता है। तो भाई चैलेंज कंप्लीट करते करते लगी मेरे को बहुत बहुत जोरों की भूख। तो मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी देखो आज बनी है चाप और रोटियां। तो भाई खा के मेरे को भाई जब चैन मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना सुबह से। भाई आपको पता है कितने टाइम बाद जाके मेरा फर्स्ट जो ग्राहक वो आया, फिर वहाँ पे उसको मैंने दिया, फिर दूसरा भी आया भाई। तो इस तरीके से अभी चल रहा है अभी। तो फिर पापा जी को मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया, और पापा जी उस वाली शॉप पे, अभी मैं देखता हूँ अभी दूसरी वाली शॉप पे जाके देखूंगा। तो वहाँ पे भी वो चैलेंज मतलब मैं कंप्लीट करके देखूंगा आज कैसा सिनेरियो रहता है पूरा। मेरे को भाई आता नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है प्राइस वगैरह का, कैसे कैसे देते नहीं है। तो ये सब भाई आपके लिए है, और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ब्लॉग्स और चैलेंज, अगर आपको कुछ भी चैलेंज करवाना है कंप्लीट तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर उस चैलेंज को भाई कंप्लीट करूंगा। तो अभी मैंने खाना पीना सारा कुछ खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे फिर से भाई अपने चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। मैंने अभी चैलेंज तो वैसे कम्प्लीट हो चुका है मेरा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरे दिन का भाई एक्सपीरियंस लूँ मैं, कैसे कैसे सेल करना है नहीं करना है। तो वो सारा भाई आपको मिलने का ब्लॉग में पूरा, तो वो तो मैंने कंप्लीट करने मैंने देख लिया था भाई कैसे सेल होती है कैसे। तो कुछ ग्राहक चले भी जाते हैं, कुछ आ भी जाते हैं। तो अभी आ गया मैं शॉप पे दोबारा से बाहर, दूसरी वाली शॉप पे आज मैं करूंगा, ठीक है, जहाँ पे सुबह मैंने स्टार्ट करा था ब्लॉग, वहीं पे जाके मैं सेल करूंगा अभी। ये दूसरी वाली शॉप है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ देखो उधर की तरफ ग्राहक है, फिर मेरे पास में भाई कोई नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है देख के फिर चला जा रहा है। तो यार मेरे पे रोकने नहीं आ रहा है, मेरे पे बातें उनसे बोली नहीं आ रही, मतलब बार्गेनिंग करने का कोई शुभ नहीं आ रहा मेरे पे। तो अभी देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कैसे होता है। तो फिलहाल भाई ऐसा फील आ रहा है कि मैं भी सेल कर सकता हूँ। तो अभी उस आंटी को भाई मैंने सेल करा, उनको एक दीपक वगैरह और ये कुछ आइटम यहाँ से मैंने दिए, और भाई कर रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है पूरा, रोड जाम हो रखा है 10 के 5 पूरा भाई यार, रोड ना ट्रैफिक हो रखा है, तो उसकी वजह से एक दो ग्राहक आ रहे हैं, तो उनको मैंने हैंडल करा है। शाम के बज के 4, तो ये भाई पूरा यहाँ पे ट्रैफिक लगना चालू हो गया, लोग आने चालू हो गया। अभी आइए भाई मेरा साथ देने के लिए, देखने के लिए अंजू यहाँ पे कि कैसे मैं कर रहा हूँ। तो भाई मेरी सेल उतनी हो रही नहीं, हो रही मेरी सेल, मेरे को ग्राहक ही रोकने नहीं आ रहे, मेरे को यही पूछा नहीं आ रहा। हाँ वो कहते नहीं हमें ये अच्छा नहीं है ये हुआ, तो मैं उनको दूसरा आइटम दिखाते नहीं हूँ। तो ये भाई गलती हो रही है मेरे से,
मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता। अब मैं तो मूवी ही ये बिल्कुल ही नहीं है। नहीं नहीं इतने नहीं मिल पाएंगे आंटी जी, 12 ही मिल रहे हैं आंटी, 10 के 10 दे रहे हैं आगे। साफ साफ दिए हैं अभी, 15 नहीं हो पाएंगे आंटी जी। आप नहीं मिलेंगे कहीं पे, ये पक्के वाले ले जाओ अच्छे वाले। 15 मांग रही आंटी 10 के। भाई कुछ ग्राहक ऐसे आ रहे हैं वो इतनी जल्दीबाजी में आ रहे हैं, कह रहे हमें ये चाहिए बढ़िया वाला आइटम चाहिए, बदले इनमें से कुछ भी देख के वो पसंद नहीं आ रहा, कह रहे नहीं ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। तुम बेचने नहीं आ रहा बेचना नहीं आ रहा मेरे पे, वो कह रहे ये नहीं भाई ये चाहिए हमको, ये नहीं ये चाहिए। भाई क्या चाहिए बता दो भाई एक बार, मतलब मेरी सेल नहीं होने देंगे यार, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। और भाई वहाँ पे गाय ने पूरा भाई माल बिखेर दिया उन आंटी का, ये उन्होंने वहाँ पे फूल वगैरह लगा रखे थे, ये वाली गाय ने भाई पूरा ही उनका फैला दिया आइटम। वो आंटी भाई वहाँ से अपने वो सामान है वो उठा रही है, उनके पूरे पत्ते वगैरह पूरे बिखार पूरे नीचे गिरा दिए। और ये भाई गंजी ये बार बार घूम रही है इधर उधर देख रही है कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। ये भाई देखो इतनी देर हो गया इनके पास भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, भाई क्यों नहीं आ रहे ग्राहक, इतनी देर हो गया जाम लग रहा है पूरा, पर एक ग्राहक नहीं आ रहा है कहीं भी, पूरी दुकान खाली पड़ी है चारों साइड। तो भाई तब से सुबह से यहाँ देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा, पूरे खाली पड़ी है मार्केट, बस सड़क पे जाम लग रहा है इधर नहीं लग रहा। भाई ट्रैफिक से निकल के जा रहा हूँ मैं, ट्रैफिक आज बहुत ज्यादा ही हो गया है और कल तो भाई पूरा रश हो जाएगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ दूसरी वाली दुकान पे जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग अपना चैलेंज है जो कंप्लीट करा था, तो उधर ही जा रहा हूँ, कुछ सामान दिया है मेरे को घर वालों ने तो वही लेके जा रहा हूँ। जो को लगा दिए भाई काम पे, ये देखो अब दिए ये पेंट कर करके रख रही है। तो भाई इस दिवाली बहुत सारा काम है और ये मेरा व्लॉग जो चल रहा है भाई चैलेंज मेरा हो रहा है और मेरा कंप्लीट तो हो ही गया, फिर भी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ और ज़्यादा कैसे करूँ। तो भाई मैं कल ना अपना आज सुबह सुबह व्लॉग है जो मैंने कल शूट किया था वो एडिट नहीं कर पाया, मैं डाल नहीं पाया था, जो कुछ शॉपिंग वो मिला था कल आपने देखा होगा वाला व्लॉग, तो भाई उसमें ये हुआ था कि उसको गिफ्ट वगैरह मिला था ऑफिस से, तो मेरे को अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। अभी मैं एयरफोन लेके आ चुका हूँ और मैं अपना पहले भाई व्लॉग अपलोड करता हूँ वाला, फिर मैं कुछ काम करूँगा। तो अभी आया हूँ घर में गाइस चाय बनाने के लिए, चाय मैंने बना लिया पूरी और दादी मिली मेरे को, मैंने उनसे खूब ढेर सारी बातें करी और यहाँ पे भाई चाय मैंने रख ली है उनके लिए घर वालों के लिए। अभी मैंने जस्ट चाय बनाई थी, मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मेरा मोबाइल भाई डेड पड़ा है पूरा, उसको चार्ज वगैरह कर रहा था, तो मैं कप वगैरह देख लेता हूँ उनके लिए कहाँ पे रखे हैं कप वगैरह, फिर मैं लेके चलता हूँ उनको। इवनिंग का पूरा टाइम हो चुका है, अभी 5:30 के समथिंग टाइम हो गया है और मैं अपने ये लेके आ गया भाई इसमें पैसे वैसे रखने के लिए, मेरे से भाई संभाले नहीं जा रहे, जेब में बार बार निकालने पैसे वैसे फट जा रहे थे भाई साहब। अभी देखो एक दो कस्टमर है जो आ रहे हैं और फिर से भाई जैम लगना चालू हो चुका है, तो भाई जाम तो अब रहेगा, अब जाम रहेगा भाई क्योंकि अभी ऑफिस से निकलेंगे भाई बहुत सारे लोग। भाई साहब गाड़ियों की भीड़ को देख करके यहाँ पे पुलिस वाले दो लगा दिए हैं ताकि भाई ट्रैफिक का जो जाम ना हो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी ना हो उतनी, तो उसके लिए भाई अभी ट्रैफिक पुलिस को लगाया यहाँ पे। तो ये भाई हमारे शर्मा आ रहे हैं तब से लेने में, कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए टेंशन, हाँ दिखाओ मैं लगा दूंगा टेंशन मत लो, लूट ना रहे हैं बढ़िया एकदम भैया, को लूट नहीं रहे, अच्छा नहीं रहे, ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो अच्छा है, देख लेना सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे भैया ने ले लिया है ठीक है, तो भैया से हम चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे अभी पहले, कर देंगे भैया को, कर दो पैक कर दो गाड़ी। तो भाई मैं आया था सामान लेने, घर वालों ने मेरे को भेज दिया कि भाई तू ये लेके पॉलिथीन वगैरह सारी कुछ खत्म हो गई, और भाई रश देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ अभी खेड़ी बोली सामान लेने के लिए था, वहाँ से आ गया मैं बाइक चला इतनी स्पीड में, मैं आज आया मार्केट भाई गया था, घर वालों ने भेजा मेरे भाई पैर में यहाँ पे चोट वगैरह भी लग गई, तो मैं भाई लग गई मेरी चोट वोट अब क्या करें,
जल्दी जल्दी में लेके आया मैं सामान पूरा। और भाई मेरी इतनी हालत खराब हो गई है ना अभी, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ। तो भाई इतना ज्यादा टायर्ड हो गया मैं, ये देखो वो कह रही है कि फोन को ना साइड में रख लो, तभी ग्राहक है मेरे पास में नहीं आ रहे। अब मैं क्या बताऊँ इनको, व्लॉगिंग में मैं दिखाऊंगा कैसे लोगों को मेरे पास आ नहीं रहा कोई भी। रेखा भाई, रेखा को ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पे सेल नहीं हो रही, क्योंकि भाई मैं व्लॉगिंग में दिखाऊंगा अभी तो सही लोगों को। तो रेखा को यही लग रहा है कि भाई मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, मेरे पैर पे चोट तक लग गई भाई साहब। और आज बस ये जो चैलेंज लिया है ना मैंने, इसमें बैंड तो बज गया, अब इनसे देखता हूँ कि भाई क्या गिफ्ट देंगे, क्या मिलेगा मुझे सरप्राइज। रेखा बता दियो एक बार, एक 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 बॉबी वहाँ बैठा है तो उससे पूछ के आता हूँ कि भाई क्या सरप्राइज मिलेगा मेरे को शाम को। वैसे कह रहे हो एक वो दे देंगे, 10 रुपये दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, तो मैं पूछता हूँ भाई शाम को, इनको निकलवाता हूँ इनकी जेब से पैसे वगैरह ना काफ़ी। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर और मैंने जलाए हैं भाई दिए 11, मैंने और अंजू ने मिल के इसने जलाए हैं, मैंने तो बस इसमें हाथ लगाया बस। तो इसमें जला दिए भाई दिए और हम अभी देखो चाय बना रहे हैं, चाय बन गया हमारी एकदम कड़क कड़क। और ये भाई दिए हम अभी अपने घर में लगा देते हैं जहाँ जहाँ पे हमें रखने हैं। तो भाई ये देखो लड़िया, ये हमारी दुकान पे है, यहाँ लगी हुई है, ये इन सब में स्पीकर लगे हैं। अच्छा बहुत देर से देखो वहीं से तुम वीडियो बना रहे, कभी ढोल वाले की कभी गाई कभी गाएगी। तो हम भाई सब्सक्राइब करवा रहे हैं यहाँ पे सबसे अपने YouTube भाई, आप भी आओ निकालो परनी व्लॉग निकालो क्या मैं परनी व्लॉग परनी के परनी हाँ। ये भाई सबसे हम सब्सक्राइब करवा रहे हैं, चाची बुला रही है हमें पता है, मम्मी आ गई ना। ये है हमारे भाई स्टार, अभी से हम लगा देंगे अपने कमरे में क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में, एक बार जला के दिखाएंगे आपको। तो ये भाई जल चुकी है हमारी, इसमें बटन से चेंज हो जाएंगे ना। ओहो ये देखो भाई दिलों से मिलने वाली दिल मिला दे लाइट भाई अभी हम उड़ाने वाले हैं, भैया पैराशूट उड़ाएंगे ठीक है, रात को जो कहते हैं ना भाई उड़ गया ऊपर आसमान में, तो अभी वो लाइट एंड जलाने वाले हैं ये उल्टा, तो अभी जलने वाली है भाई साले इसे ना उल्टा करते हैं। ओए तू फटको, वो पहले फटको ये फेल हो गया भाई ये देखो भाई दिवाली पे खुद ही चमक रहे हैं खुद कोई चमका रहे भाई। तो हमारे पास भाई एक खराब हो गया था लालटेन ठीक है, काल लालटेन, तो उसी के हम दूसरी एक और लगा रहे हैं ताकि ज्यादा दूर तक जाए और ज्यादा जले भाई, वेट कर रहे हैं तब से उठ नहीं रहा। ये भाई किसी गाड़ी के ऊपर रगड़ जाए, ओए होए होए भाई फूंक मार मार के उड़ा रहे पर ये उड़ नहीं रहा। ये लैंप देखो भाई गया ऊपर, ये फिर आ जाएगा नीचे, शाबाश बेड़ा, पैसे बर्बाद हो गए इसमें। तो भाई ये पहुंच गया हमारा लैंप, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अरे यहाँ भाई देखने के लिए खड़े हैं तब से, कब ये ऊपर जाए ऊपर जाएंगे ये बाइक बाइक के ऊपर गिर जाता भाई। तो ये एक लास्ट ट्राई और कर रहे हैं, हमने एक और निकाल लिया, नहीं अभी और करेंगे नहीं जुड़ेगा तो एक तो ये खराब हो गया, एक पहले खराब हो गया, अब ये तीसरा है भाई, अब इसको देखते हैं जाता है नहीं जाता है। अच्छा अब ये उड़ के रहेगा भाई, अभी अभी ये गर्म हो रहा है थोड़ा, जले हो जाएगा पूरा काम से कर लेंगे, और ये फिर भाई अगर नहीं उड़ा भाई सरदार जाएंगे, ये नहीं उड़ रहा तो पैसे बर्बाद, ये जगह गया 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 स्कॉर्पियो में जाएंगे ये भाई उड़ गया, पैसे वसूल। ये शर्त किसने लगाई थी 500 रुपए की? शर्त किसने लगाई है? उड़ गया भाई, ओ भाई लॉन्चिंग बेकार हो गई है, टेढ़ा हो गया, रॉकेट रॉकेट नीचे आ रहा है, रॉकेट टेढ़ा नीचे आ रहा है, ये गिर गया भाई हमारा रूम चमचमा रहा है। अभी हमने एसी लगा दिया जस्ट क्योंकि हम पे टाइम नहीं मिल रहा, तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, हमने लेके आए जो लड़ी इसको देखो, हम ये और चेंज कर सकते हैं, और सारे पैटर्न आते हैं, ये दिखाते हैं आपको पैटर्न चेंज, एक रंग बस, ये देखो ये ऐसे जलती भी रहेंगे, ब्लिंक भी करेंगे,
तो भाई अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया भाई मेरे को ये वाली लगी, वाओ क्या मतलब इसकी जो, ये मैं बंद करता हूँ एक बार पहले, ये वाली देखो भाई, ये वाली ज्यादा अच्छी लगी मेरे को, एकदम रोमांटिक लाइट देख रहे हो विनोद। तो ये है हमारा भाई रूम, एकदम चमचमा रहा है, एकदम दिवाली तगड़ी वाली है बॉस। तो गाइस अभी आए हम फूड एंड फायर पे लेने बर्गर, जो कि हमारे रेडी हो चुके हैं, हमने लिए अच्छे बर्गर जो कि बहुत ज़्यादा यमी है, हमें टेस्टी है यहाँ के। और अंजू कह रही है मैं बहुत ज़्यादा भाई परेशान हो गई, थक गई, क्योंकि भाई कभी इसे चाय बनाने हैं, कभी कुछ बनवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, पूरा भाई खाली हो गया पूरा एरिया, इतना ज़्यादा थक गया मैं। और भाई इनके लिए मैं लेके आया हूँ अभी बर्गर, जो कि हमारे यहीं पे अच्छे मिलते हैं। ये रेखा भी आ गई, ये भी खाएगी बर्गर। तो सभी भाई इतने भूखे हैं ना, भूख लग रही है भाई। मेरा वो चाहिए मुझे, जो मेरा गिफ्ट है ना वो चाहिए। ये देखो भाई, ये मेरा बैग है ना, ये पता है ना किस लिए लेके आया मैं, तो लग रहा है मुझे ये ही मिलने वाला है, पक्का ना? देख लो भाई आज मुझे ये ही मिलेगा, अगर नहीं मिला ना हो गया खालो। अब बता तू, अब बता, हो गया हो गया तुम्हारा, खालो चलो जाओ। ये देखो भाई मेरे को व्लॉगिंग नहीं करनी, मेरे को वीडियो वीडियोस नहीं बनाने थे बिल्कुल भी। तो गाइस मेरा चैलेंज वो कंप्लीट हो चुका है, ये कुछ आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, छोटी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, बाय बाय कर दे रेखा, बाय बाय, हैप्पी दिवाली सबको, ये बात विद फैमिली, विद फैमिली। हां भाई बॉडी तू भी बोल दे, चल शर्मा की रहा लड़की इन तरह भूख लग गई मेरे को। ओ हाँ भाई तू भी बोल दे यार कुछ, मेरा खाने पे कॉन्सेंट्रेट है। ओके बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?